भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव से आप बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, तो आज सुपरस्टार खेसारी लाल यादव रात 10:30 बजे अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से लाइव आकर आप लोगों से बात करेंगे। तो आज रात सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से बात करना आप ना भूले, उनके फेसबुक अकाउंट पे उन्हें लाइव देख पाएंगे आप लोग। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की फिल्म सिरे हिंदुस्तान की शूटिंग फिलहाल नेपाल में हो रही है। लगातार एक के बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। इस बीच दिनेश लाल यादव निरहुआ को 5-6 गुंडों ने घेरा हुआ एक फोटो और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसको दबा कर लोग शेयर करे। इसमें काफी दिनेश लाल यादव निरहुआ बेहतरीन लग रहे हैं, देखिए फोटोज। कल अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म आवारा बलम आनंद विहार मंदिर में रिलीज होगी, देखना ना भूले। भोजपुरी इंडस्ट्री की मच अवेटेड फिल्म का नाम है माँ तुझे सलाम। इस फिल्म को लेकर जहाँ फैंस एक्साइटेड थे, वही इस फिल्म के ट्रेलर की मांग हो रही थी। तो फाइनली बता दिया गया है कि इस फिल्म के ट्रेलर को कल रिलीज किया जाएगा यशी फिल्म पर, और कल इस फिल्म के ट्रेलर को देखना ना भूले। कल अक्षरा सिंह का एक बोलबम सॉन्ग रिलीज हुआ था, गाने का नाम था भाग जाइबो ससुरा से। इस गाने को एक ही दिन में 5 लाख लोगों ने देखा है और अक्षरा का ये गाना तकरीबन हिट हो चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह का भी 51 सॉन्ग रिलीज हुआ था एवं छोड़ दा चिलम, जिस गाने को 2 दिन में लगभग 5 लाख लोगों ने देखा। दोनों ही गाने लगभग पॉपुलर है, दर्शकों के सभी गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। सो फाइनली यश कुमार मिश्रा की मच अवेटेड फिल्म का नाम है नागराज। इस फिल्म को 10 अगस्त यानी अगले महीने की 10 तारीख को रिलीज किया जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरहिट अभिनेत्री आम्रपाली दुबे दिखी राजकुमारी के अवतार में। जी हाँ, देख सकते हो फोटोज जहाँ पर राजकुमारी से कम नहीं लग रही हैं आम्रपाली दुबे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो हमें बताना ना भूले कमेंट सेक्शन के जरिए।